नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टेट सिटी। फिलहाल हमारे साथ जमशेदपुर एफसी रिजर्व के कोच स्टीवन रियाज। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अभी जमशेदपुर एफसी रिजर्व की कमान संभाली और जिस तरह से आज हमने जो मैच देखा, जो जिस तरह से बेहतरीन एक जीत मिली है टीम को, इससे क्या आज के मैच से आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना वार्म वेलकम के लिए। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन जमशेदपुर। इसके पहले मैं 2019 में एज अ असिस्टेंट कोच ISL में एज ए असिस्टेंट कोच था। इस बार रिजर्व टीम का एज अ हेड कोच हूँ। जब मैं टीम में आया, यहाँ पर जब रिजर्व टीम को देखा तो मुझे लगा ये इस टीम में बहुत पोटेंशियल है, मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे, यंग टैलेंट है, तो इनको सिर्फ गाइड करना था। मेरे से पहले इंद्रनील कोच थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया बॉयज़ के साथ। मैं आके सिर्फ मुझे जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 to 11 years इंडियन टीम के लिए खेला, तो मुझे इनको सिर्फ गाइड करना था। ये ऑलरेडी टैलेंटेड है, इतने सारे सिलेक्शन से ये बच्चे सेलेक्ट हुए, मतलब ये ऑलरेडी स्पेशल बच्चे थे। सिर्फ इनको थोड़ा गाइडेंस का और थोड़ा सा एक मोटिवेशन का ज़रूरत था जो इनको मिला। इनको अपने थोड़ा मुझे ऐसे लगा यहाँ आने के बाद कि इनको कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इशू है, तो सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस देने का ज़रूरत था, जो अभी मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस है। पर ये फर्स्ट मैच है, मैं अभी इसके बाद और मतलब कोई भी मैच लाइटली नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है यहाँ के सब टीम बहुत अच्छे हैं, जो बाकी टीम्स भी है बहुत अच्छे हैं। तो हम एक मैच एक टाइम पर सिर्फ एक मैच लेकर चल रहे हैं अभी, तो एक मैच जीता, अभी कल से फिर से नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। तो मेरा अब एज अ रिजर्व टीम का हेड कोच का मेरा एक जिम्मेदारी है कि इसमें से जो अच्छे टैलेंट है वो फर्स्ट टीम के लिए मुझे रेडी करना है, तो अभी मेरे उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट मैच है, आई एम हैप्पी बट स्टिल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे लगता है और बेहतर कर सकते हैं टीम। सो लाइक एज अ कोच, सिंस आपको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आप पूछना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ों में जैसे कुछ टीम जो है थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, तो किन चीज़ों पर आपकी फोकस ज़्यादा रहेगी? नहीं, मैं जब टीम लिया मैंने बोला इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे डाउन लगा, और जो गेम का एक पेस था मुझे थोड़ा स्लो लग रहा था, कि जो पासेस करते हैं पासेस थोड़ा स्लो लग रहा था। सिर्फ इनका एक पेस बढ़ाने का ज़रूरत था और कॉन्फिडेंस, और मेरे को लग रहा वही एक थोड़ा सा चेंजेस करने से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। तो अभी इसी पर हम लोग और वर्क करेंगे। अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है और बेटर हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे अगले साल आई लीग और ISL खेलेंगे, तो ये परफॉर्मेंस अभी भी मुझे लगता है ये आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाई ये परफॉर्मेंस के बाद, उन लोग को और थोड़ा सा और बेटर होकर फिर वो आई लीग और ISL के रेडी हो जाएंगे। सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे ये भी, आपने जो लोकल प्लेयर्स की बात करी थी कि लोकल प्लेयर्स में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल जाता है, तो एज अ टीम अभी किन किन प्लेयर्स पर आपकी नज़र रहेगी? तो अभी जैसे मैं अभी जस्ट मुझे कुछ ही दिन हुए आके, मैं 2-3 मैच देखा है वहाँ पर, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ लोकल में बहुत सारा टैलेंट है, स्पेशली वो एकदम दिल से खेलते हैं, जब फाइट करते हैं दिल से, और मुझे ऐसे प्लेयर बहुत पसंद है जो टीम के लिए खेलते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर, मैं अभी नाम से मैं नहीं जानता उनको, मुझे और कुछ दिन मैच देखने के बाद फिर मैं थोड़ा जानने लगूँगा प्लेयर्स पर। यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स है जिनमें पोटेंशियल है, जो कर सकते हैं, तो हमारी नज़र है उन पर। तो जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जमशेदपुर FC है, तो जमशेदपुर FC में मुझे लगता है लोकल प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी फैंस लोग आएंगे देखने। जब लोकल प्लेयर्स खेलते हैं तो लोगों का एक कनेक्शन होता है कि हमारे लोकल प्लेयर्स खेलते हैं जहाँ, तो मेरा अभी फोकस है कि जितने अच्छे लोकल प्लेयर्स मुझे मिल सकते हैं मैं उनको थोड़ा देख रहा हूँ, जैसे जैसे मिलते जाएंगे मेरा अभी फोकस है कि जितने और लोकल प्लेयर्स टीम में आ जाएंगे अपने आप फैंस बढ़ते जाएंगे, और हमारे लिए फैंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं जानता हूँ कि जब मैं मैच खेलता हूँ अगर फैंस नहीं है तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसे लगता है कि कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है। जब पूरा स्टैंड भरा होता है फैंस से, तो एक प्लेयर के लिए एक मोटिवेशन होता है कि कोई मेरे लिए कोई चेयर करने आया या मेरे पहचान के कोई आया, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है परफॉर्म करने के लिए। तो अभी वो एक फोकस है कि और फैंस को अट्रैक्ट करके मैच के लिए लाना, ये मेरा एक मोटिव है।
तो उम्मीद करते हैं कि जो दर्शन जो हमारे जो व्यूवर्स है जो ISL में आकर एक बड़े हिस्से से ऑडियंस बनती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक बेस रेडी होता है वो फिलहाल JFC रिजर्व के टीम से ही बेस ये रेडी होता है, तो काफ़ी बड़ा भार है आपके ऊपर। और मैं आगे आपके फ्यूचर के लिए गुड विशेस करना चाहूँगा कि उम्मीद है कि और भी अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिला। श्योर। और मुझे और एक बात बोलना है कि जैसे आप लोग, मुझे सिर्फ फैंस को बोलना है, जैसे आप लोग फर्स्ट टीम में आके सपोर्ट करते हो, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब रिजर्व टीम भी खेले तो आके प्लीज़ देखो। हम डेफिनेटली आप लोग को एंटरटेन करेंगे अपने फुटबॉल से। तो रिक्वेस्ट है कि जैसे फर्स्ट टीम के लिए, मैं एज अ फर्स्ट टीम असिस्टेंट कोच रहा हूँ, मैंने देखा है कैसे क्राउड आता है, तो टीम के लिए एक मोटिवेशन है। तो मुझे इनसे रिक्वेस्ट है क्या रिजर्व टीम के लिए भी आए और हमारी टीम के लिए भी सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो ये चीज़ है कि जो रिजर्व टीम का हम शेड्यूल वगैरह हम यहाँ पर डाल देंगे, जो आगे के मैचेस होंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके यहाँ पर देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई, पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और साथ ही आपको आने वाले जो समय में क्या क्या उम्मीदें हैं। तो इसी के साथ आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए मैं अभिषेक, धन्यवाद।